दो भाइयों की कहानी में जो बड़ा भाई था वो नशीली चीज़ों का आदी था, नशा वगैरह करता था, शराब पीता था और शराब पीने के बाद परिवार के लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें करता था, उन्हें गालियां देता था, उससे उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे। दूसरा भाई बहुत ही समझदार था, नेक दिल था, वो बड़े होकर एक समाज सुधारक और बहुत उद्योगपति बना। अब उन दोनों से पूछा गया, बड़े भाई से पहले पूछा गया कि आप नशीली चीज़ों के आदी हो, शराब वगैरह पीते हो, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? उसने कहा जिसके घर में जिसके फादर शराब पीते थे, नशीली चीज़ों के आदी थे, उसको प्रेरणा उसको कहाँ से मिलेगी? स्वाभाविक रूप है उसको अपने फादर से ही प्रेरणा मिली। यही बात जब दूसरे से व्यक्ति से पूछा गया, दूसरे छोटे भाई से, कि आप इतने नेक दिल आदमी है, समाज सुधारक और उद्योगपति हो, आपको इतनी अच्छी प्रेरणा कहाँ से मिली, अब आप क्या सोचते हैं? उसने क्या जवाब दिया होगा? उसने भी वही जवाब दिया कि ये प्रेरणा उसको उसके फादर से मिली है, क्योंकि वो देखता था उसके फादर नशीली दवाएं का इस्तेमाल करते थे, शराब पीते थे, उसके बाद घर के लोगों के साथ गाली गलौज करते थे, जो उसको अच्छा नहीं लगा। और उसने उसी टाइम प्रण कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, इसलिए मैं आज एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, एक समाज सुधारक हूँ। दोनों को प्रेरणा का स्रोत एक ही है, लेकिन एक ने गलत आदत को अडॉप्ट कर लिया और एक अच्छी आदत को अडॉप्ट कर लिया। कहानी कहता है कि गलत आदत को अडॉप्ट करना, ग्रहण करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बाद में बहुत कष्टदायी होता है। लेकिन जो व्यक्ति सही बातों को देख लेता है वो बाद में जरूर सफल होता है। तो आपका माहौल अच्छा हो या बुरा हो, आपके साथ लोग अच्छे हों या बुरे हों, समय अच्छा हो या बुरा हो, सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है, क्योंकि बुरा समय भी कुछ न कुछ दे कर जाता है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। सो गुड लक ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य जी से लड़ा।